सभी का स्वागत है स्टेट न्यूज टाइम्स पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ के लखनऊ मध्य विधानसभा सीट पर मौजूद हूं, जहां पर कल वोटिंग है। लोगों के मन में क्या चल रहा है, आज मैं नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक एक दिन पहले, या यूं कहें कि मुश्किल से 12 से 14 घंटों का वक्त है, लोगों के मन में क्या है। लोग अभी भी लोग मन बदलने की योजना बना रहे हैं या ठान लिए हैं कि किसको वोटिंग करना है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो नेता आए, तमाम बड़े बड़े वादे किए, भाषण दिए, तो किसके भाषण, किसके वादे इनको ज़्यादा अच्छे लगे या किसके इरादे पर इनको ज़्यादा विश्वास हो रहा है। सर क्या कहेंगे, लखनऊ में तमाम बड़े बड़े नेता आ चुके, यहाँ पर अपने वादे इरादे सब बता चुके, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इस बार लखनऊ वालों को कौन ज़्यादा भा रहा है? साइकिल। अच्छा, एक शब्द में आपने जवाब दिया, बिल्कुल। उसकी वजह है ना, 5 साल से अपने देश को और प्रदेश को दोनों को ही खड्डे में डालने का काम किया है भाजपा सरकार ने। कोई विकास की योजना इनकी फलीभूत नहीं हुई, सिर्फ कागजों पर विकास की योजनाएं हैं इनकी। अच्छा। 384 योजनाएं बनी थी, इसमें 138 चालू हुई, उनमें से 70 से 80 तो कुछ समय चली और बाकी तो वैसे ही फाइलों में बंद हो गई। वो तमाम योजनाएं गिनाते हैं, फिर राशन दे रहे हैं, फिर कनेक्शन, गैस का कनेक्शन दे रहे हैं, तमाम रोड बनवा रहे हैं। एक और आपको उदाहरण देता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर 27 लाख विधवा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पेंशन 500 रुपए चलाते थे, इन्होंने वादा किया अपने मैनिफेस्टो में 2017 में कि हम 1000 पेंशन कर देंगे जो विधवा पेंशन है। पौने 5 साल याद नहीं आई, जब आचार संहिता लगने वाली थी तब इन्होंने 1000 रुपए की है। ये इस तरीके की योजनाएं हैं। अच्छा। आप सिलेंडर दे दीजिए 2000 रुपए का, और गैस जो है 1000 रुपए की कर दीजिए, तो क्या फायदा फ्री देने को। वैसे ही जंग लगा, कुछ लोग तो उसको कटवा के बेच भी रहे जाकर। अच्छा। क्या कहेंगे, 5 साल में एक बार मौका मिलता है, कल वो दिन आया है, कल आप लोगों का दिन होगा, उसके बाद 5 साल नेताओं के दिन होते हैं, तो क्या मन में चल रहा है आपके? आज प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब है। हाँ। क्योंकि योगी सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पर है। हाँ। और इस भ्रष्टाचार से आज की प्रदेश की जनता में बेरोजगारी पूरी तरह से है, जो उन्होंने हमसे वादा किया था हम लोगों से। हाँ। कि प्रदेश की जनता को रोजगार देंगे, ये मंच पे खड़े होकर के कहते हमने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। हाँ। आज ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देख लिया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देते हैं। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ इस प्रदेश की जनता पूरी तरह से देख रही है। आगामी चुनाव में, आने वाले चुनाव में, इस समय भी जो 3 चरण के चुनाव हुए हैं, इसमें पूरी तरह से साइकिल आगे बढ़ रही है, और 2022 में माननीय अखिलेश जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और रोजगारों को उन्होंने रोजगार देने के लिए कहा है, रोजगारों को रोजगार देंगे। जिस तरह से पहले हमारी माताओं बहनों को 55 लाख परिवार को समाजवादी पेंशन से लाभ दे करके लाभ देते थे, उसी तरह फिर से उन परिवारों को 1500 रुपये पेंशन देने का काम करेंगे, जिससे कि माताओं बहनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, आप अखिलेश को क्यों देख रहे हैं? आपके सामने कांग्रेस भी है, BSP भी है, अब तो आम आदमी पार्टी भी आ गई है। अखिलेश यादव जी ने जो पूर्व में वादे किए थे, काम जो अपने काम किए थे, जो उनके मनोविष्टों में नहीं था, वो भी उन्होंने काम किए, इसीलिए जनता उनकी ओर देख रही है। थोड़े से आगे जनता इसीलिए उनकी ओर देख रही है। और अभी योगी जी ने 5 साल में कोई काम नहीं किया है, केवल झूठ बोला है और मन की बात की काम की बात कभी की नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि मैं जो है गरीब आदमियों को सबको रोजगार देंगे, ठीक है, सड़क और रोड की बात कर रहे हैं आप, मेरी ना मानिए आप, आलमबाग ये हाईवे जो है, यहाँ से विधानसभा तक चले आइए, रास्ते इतने खड्डे हैं कि अगर प्रेगनेंट औरत हो रास्ते में डिलीवरी उसकी हो जाएगी। ये स्थिति है, ऐसा लंदन बना दिया स्मार्ट सिटी, हमको कोई स्मार्ट सिटी शहर के अंदर नहीं दिख रही है। अच्छा। आप बताइए, किसी को अगर दिख रही है बताइए। आप तो गुस्से में नजर आ रहे हैं योगी के काम का। दादा ये बताइए, आपके पास साइकिल है? नहीं, साइकिल नहीं है। ठीक, जिंदगी भर चलाई, अब बुढ़ापा है, 70-72 साल की एज है। जिंदगी भर आपने साइकिल चलाया। मोदी जी अभी बोले थे कि जो आतंकवादी हैं वो साइकिल सुनिए, सवाल सुन लीजिए, वो साइकिल ही क्यों यूज करते हैं, आपको कैसा लग रहा है? साइकिल आम जनता की का वाहन है, सही बात है ये। गांव ग्रामों का मेरा काम था, गांव ग्रामों से साइकिल पे सामान ढो के किसान मर्द गरीब आदमी लेके मंडी आता था हमारे यहाँ।
साइकिल ने सबके सहयोग दिया है, साइकिल तो साइकिल पैसे वालों के गाड़ियां है, फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, साइकिल तो आम जनता गरीब आदमी की सवारी है। साइकिल से देखिए बच्चे चला के हमारे यहाँ, अब हम कर नहीं सकते हैं, हमारा पोता राशन ओसन ला के सब गाज की साइकिल ही से तो पहुंचाता है। तो आपको लगता है कि ये बयान गलत गलत है मोदी जी को? और फिर जैसे शब्दों में बोला है, देखिए ना जैसे क्या है, ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? साइकिल पे, साइकिल पे लाश जा रही है शमशान घाट। अब ये बताइए ये विकास है? ये विकास है मोदी जी का? कोरोना काल की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो, मोदी जी तो लगातार कहते हैं कि कोरोना काल में हमारी सरकार ने इतने अच्छे से हैंडल किया, अगर हमारी सरकारें ना हुई होती तो कुछ भयावह स्थिति हो सकती थी। जब उनकी सरकार होती है तभी आपदा आती है, आप गौर करिए, जब उनकी सरकार होती है समझेगा, और चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, ला रहेगा पहिया, ला रहेगा फूल, किया। अच्छा अरे योगी जी आप एक मिनट मेरी एक सवाल का जवाब दीजिएगा। केवल आप 5 किलो गेहूं देते हैं, 3 किलो चावल देते हैं 5 यूनिट पे, आप 5 किलो चावल में 5 आदमी महिला भर खा लेंगे, ऐसा लेकर आप मेरे ऊपर पैसा हम ही से ले रहे हैं? नहीं तो आप क्या कच्चे वो तो सुनिए सुनिए, लेकिन वो तो फ्री दे रहे हैं, वो तो कर रहे हैं फ्री दे रहे हैं, बाकी जो वो पैसे रहती थी अब दिया चुनाव नहीं, अब दिया चुनाव आ गया, चुनाव दिया चुनाव आ गया, दूसरी पार्टियाँ देने का आश्वासन दे रही है तब वो दे रहे हैं, बता रहे हैं ये पहलवान और लालच दे रहे हैं, और एक प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी कतई करना नहीं चाहिए था एक प्रधानमंत्री हो करके, क्योंकि वो कहते हैं मैं गरीब वर्ग से आया हूँ, तो क्या उन्होंने साइकिल नहीं चलाई होगी? आज साइकिल के विरोध में कितने बड़े मतलब जो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने एक प्रधानमंत्री। आपको लगता है कि ये चुनाव पलटने में काफी है ये बयान? प्रधानमंत्री ऐसी बातें उनको शोभा नहीं देती जैसे शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, एक प्रधानमंत्री को देश के एक सिपे सरदार को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? युवा क्या कहेंगे, युवा किस तरफ देख रहे हैं, किसकी तरफ नजर गड़ाए? सिर्फ युवा सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ युवाओं के लिए काम किया है और बहुत ही अच्छा काम किया। आप खुद जानते हैं, आप लखनऊ में इतना सर्वे कर चुके हैं, आपको खुद ही पता चल गया होगा कि पिछले 5 सालों का काम और इससे पहले की सरकार का काम आपको युवा खुद बता चुका है, जैसे कि हम लोग खुद है, और आप जैसे बता रहे राशन, क्या आप गेहूँ कच्चा खाएंगे ये बताइए? आप लेंगे तो गैस ना 1000 रुपए के लेंगे, ठीक है? गेहूँ की पिसवाई इस समय 4 रुपए पड़ रही, 5 रुपए 4 रुपए 5 रुपए पिसाई है, ठीक। गेहूँ आप 3 रुपए दे रहे, 5 रुपए और गेहूँ आप देखिए किसानों के खाते में पैसे आ रहा ही नहीं, आपके खाते में आ रहा है? हम लोग किसान क्या है? नहीं अब खाते में पैसा है, अभी इसकी हमको जानकारी नहीं है, हम 2 साल से घर में पड़े। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं, आई नहीं आ रहा, झूठ बोल रहे हैं, उनके खाते आदमियों के पास आ रहे होंगे, आपके पास तो नहीं आ रहा, वो राशन वो फ्री नहीं दे रहे हैं, राशन फ्री नहीं दे रहे हैं, हम एक माचिस भी खरीदते हैं उसका टैक्स देते हैं, ठीक है, हाउस टैक्स डबल, वाटर टैक्स डबल, बिजली का बिल डबल, राजस्थान में 2.5 रुपए में, यूपी में 10 रुपए में लाइट, ये क्या सोने पर लाइट दे रहे हैं? मतलब यहाँ की जनता को बेवकूफ समझते हैं, मतलब अंधभक्त, कुछ अंधभक्त जो है मोदी जी के भक्त बन गए हैं, इसलिए वो जो है उनको वोट देते हैं। 10 मार्च को भाजपा साहब, अब स्मृति ईरानी पूर्व प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजी थी 375 रुपए सिलेंडर था, अब 1000 रुपए सिलेंडर है, क्या मोदी जी को स्मृति ईरानी चूड़ी भेजेंगी? लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन आपका इनकम भी तो बढ़ा है, कहाँ बढ़ गया बेरोजगारी? पूरी तरह बेरोजगारी आ गई है, पूरी तरह बेरोजगारी हो गई है, इस समय जेब में एक पैसा आदमी नहीं रहेगा, जब काम नहीं रह गया, बेरोजगारी आ गई है, तो इनकम कहाँ बढ़ गई है? मोदी जी ने तो बोला था 2022 तक इनकम दुगनी कर देंगे, सब झूठ बोला है। मोदी जी ने तो ये भी कहा था 2022 तक हम देश के
हर एक को घर बनाकर देंगे। उन्होंने कहा था कि एक साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी ने कहा था कि मैं बुलेट ट्रेन लेकर आऊंगा। मोदी जी ने कहा था कि भारत का रुपया डॉलर के बराबर, डॉलर के मुकाबले बराबर करने का मैं काम करूंगा। उसमें से कोई चीज नहीं, काशी तो नहीं बन गई है। जो है उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज पे चढ़ा देंगे। आज हवाई जहाज बेट डाला तो हवाई जहाज पे कहां चढ़ा जाए। बोल लेते एक मिनट, रोजगार कैसे देंगे, रोजगार कैसे देंगे, रोजगार कैसे देंगे। जब जल निगम बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, भारतीय रेल बेच दिया, अडानी एयरपोर्ट बन गया, भारतीय रेल को अडानी रेल कर दिया, जब सब कुछ बेच दिया है मोदी जी ने, बिजली विभाग बेच रहे हैं, तो रोजगार कहां से देंगे, जुमलेबाजी करेंगे। ये पीछे वाले खड़े हैं वो कोई बीजेपी का है, कोई बीजेपी की तरफ से कोई है, बीजेपी क्या होता है, कोई नाम मोहर लगी होती है, लेकिन आ रहे आप है 10 तारीख के बाद बीजेपी वाले भी लगी होती है। हाँ बताइए, हम बीजेपी नहीं भारतीय है, भारतीय सभी है। आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत, सुन लीजिए सुन लीजिए, आप गलत समझ की बात आई, नहीं नहीं पर सुन लीजिए, भारतीय तो सभी हैं। मैं मेरा कहने का मतलब, कल वोटिंग होना है तो बीजेपी की तरफ से कोई है, कोई बीजेपी के कोई पसंद है कि नहीं है, वही तब तभी तो पूछ रहे हैं। यार पहले मेरी तनख्वाह 150 रुपए थी, आज मैं 18,000 रुपए कमाता हूँ। चाहिए कितने की पूरी, कितने की हो गई, 16 रुपए। तो फिर जब सब चीज के रेट बढ़े, सिलेंडर के बढ़ गए, इसमें दिक्कत क्या है। 16 रुपए की पूरी बिक रही है भैया, बता रहे हैं 16 रुपए की पूरी बिक रही है। टेम्पो वालों ने एक ठन्नी बढ़ जाती, 5 रुपए किराया बढ़ा देते हैं, फिर 5 रुपए घट के किसी ने बढ़ाया, घटाया किराया नहीं ना। हमारा कहने का मतलब, जैसे इन्होंने बताया कि ये आतंकवादी हैं, अपने भाई हैं, अच्छा मन की बात है, ये आतंकवादी हैं ये लोग, तो प्रधानमंत्री आप, देश के प्रधानमंत्री आप, हाँ बताइए बताइए, प्रदेश के मुख्यमंत्री आप क्या, जनता बोल रही है, आप क्या कर रहे हैं जब वो लोग आतंकवादी है, क्यों नहीं गिरफ्तार होते भाई, गिरफ्तार होना चाहिए उनको, ये जनता कह रही है भाई, देश का मोदी जी। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, सवाल है क्या, नहीं सवाल नहीं है, आ रहे हैं 10 तारीख को बाबा जी, बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं, एक सेकंड एक सेकंड, 10 तारीख को बाबा जी आ रहे हैं, 10 तारीख कौन आ रहा है, अखिलेश भैया, 10 तारीख कौन आ रहा है, अखिलेश, अखिलेश जाएंगे, बाबा लोग ही बाबा को ला रहे, जिनके काम धाम नहीं है वही बाबा को ला रहे, ट्रैफिक बनवाए 270 रुपए का आटा लाए, 10 किलो घर के लिए रखा हुआ, आपको बताइए 10 तारीख को जितने भी अंधभक्त है, परिवार से किराए पर रहता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है कि हमको नौकरी चाहिए, नौकरी दम हो तो कर लो, नहीं तो क्या गवर्नमेंट 25 करोड़ है, 25 करोड़ नौकरी। अच्छा, योगी जी भी कहते हैं कि युवाओं को अगर योग्यता है तो नौकरी मिलेगी, पढ़ा दूंगा अब हमारी बात, पढ़ा लिखा कोई नहीं है, योगी योगी पसंद है, हाँ बिल्कुल, योगी योगी क्यों पसंद है, योगी क्यों पसंद है, हम जो नियमदार है ठीक है, योगी ये योगी के, ये योगी के भक्त है ठीक है, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए काम किया योगी जी ने, ठीक है, ये झूठ बोल रहा है ठीक है, ये झूठ बोलने के लिए के रहा है, अच्छा जय श्री राम, हम भी कह रहे हैं जय श्री राम, क्या जय श्री राम से हमारा पेपर रहेगा, क्या जैन जैसे अंधभक्त है वो 10 तारीख को सबसे बढ़ जाएगा, भैया जय श्री राम हम भी बोल रहे हैं, क्या जय श्री राम से पेट भर जाएगा, चले ठीक है। तो दोस्तों ये मैं इस वक्त लखनऊ मध्य विधानसभा पे मौजूद था, ये तमाम आपने आवाज सुना, यहाँ पर जो लोग बोले हैं आपने सुना, ये आवाज वोटिंग से ठीक 10 से 12 घंटे का पहले की आवाज है, क्या होगा कल ईवीएम की बटन किधर दबेगी ये आपको पता चलेगा अगले आने वाले 10 मार्च को, सरकार किसकी बनेगी 10 मार्च को पता चलेगा, तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, किसी और विधानसभा में चलते हैं, कल हम आपको जरूर दिखाएंगे कि बूथ पे जो लोग निकल रहे हैं उनके मन में क्या है, तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, नमस्कार।